हाँ कर दो ना, कैमरे की तरह देख के पा। ठीक है भैया, एक वेलप्रिन सिरप चाहिए था। ये टेम्प्रेरी है, मैं इसको भी बाद में चेंज कर दूंगा। ऑल राइट एम जी फैमिली, ऑफ सो यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एम जी स्रॉठा। सो गाइज, आप लोग देख सकते, अभी मेरी पल्सी जैसे ऐसी ही खड़ी हुई क्योंकि इसमें थोड़ा स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम हुआ था, साफ़ करके मैंने दोबारा लगा दिया। अब पल्सी रेडी टू गो है और जस्ट अभी हम लोग जा रहे हैं छोटे से काम के लिए, क्योंकि थोड़ा दवाई ववाई लेनी थी। तो मैं सोचा चलो भाई एक ब्लॉग मान लेता हूँ, बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आए हैं। सो गाइज चलिए फिर अभी पल्सी को लेकर चलते हैं दुकान, जो भी हमें दवाई लेनी है। पापा भैया खड़े हैं, पापा हाय कर दो ना, कैमरे की तरह देख के पा। पापा नहीं, इस पर पड़ा है। हाँ भैया ठीक है, हाय कर दो भैया व्यूअर्स को, हाय कर दो दिखा के, हाय हाय। तो भैया ने हाय बोला है सभी को, कोल्ड स्टार्ट दे देता है भाई इस पहले बाइक को। कोल्ड स्टार्ट गाइस दे दिया करो यार, बाइक को ज़रूरत होती। शेरू, ओए शेरू ने भी इग्नोर मार दिया यार, वो भी समझ गया यार जा रहा है ब्लॉक करने। सो गाइस, सो अभी चलते हैं गाइस, जा रहा पापा, जा रहा भैया, बाय। ठीक ठीक भाई साहब, रश काफ़ी है आज और ये गाइस, ये सामने वाला बंदा तो यार, ये स्कूटी वाला मेरे ही स्कूल का है, आज इन लोग के पेपर चल रहे हैं, शायद से टेंथ क्लास का है बंदा। और यहाँ से भाई टर्न ले लें यार, टर्न लेते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करिए यार, क्योंकि अभी हमारी तरफ तो थोड़े ऊट पटांग लोग ही निकलते हैं यार कट्स पे। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पेपर चल रहे हैं, और खुशी की बात यह है कि अब मेरे पेपर जो है सिर्फ दो ही रह गए हैं, तो 9 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे भाई पेपर। उसके बाद से आपको ब्लॉग, बढ़िया बढ़िया ब्लॉग मिलेगा और A1 कंटेंट मिलने वाला है, और थोड़ी बहुत जो दिक्कत हो भी रही है अभी सर सॉल्व हो जाएगा। जैसे आज मेरी गाड़ी में स्पार्क प्लग की दिक्कत हो गई, तो वो तो सिर्फ नॉर्मल सी प्रॉब्लम थी, वो मैंने साफ़ करके लगा दिया। बाकी भाई व्लॉग आप इन्जॉय करो, वीडियो में कमेंट, वीडियो देख के भाई कमेंट करना कैसा लगा भाई ज़रूर बताना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर कर देना भाई, और सब्सक्राइब ज़रूर मारना ताकि मेरे कंटेंट आपके पास मिलते रहें, और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना भाई। जब जब लोग आपको ना बड़े वियर्ड तरीके से देखते हैं ना, तो यार आपको भी काफ़ी यार एम्बेरस फील होता है यार। तो अभी यार गाइस दवाई ले लेते हैं, ये अच्छी बात है कि मैंने अपना हेलमेट दूसरा ले रखा है वाइज़र वाला, कम से कम इसमें मैं तो किसी को नहीं दे पाता हूँ। भैया एक वेलप्रिन सिरप चाहिए था, सिरप। 1 hour later सिरप ले लिया भाई, मेरे भैया को ज़्यादा से इसकी ज़रूरत पड़ती है। पहले भाई बाइक का आपको लुक दिखा देता हूँ कि कैसा लुक हुआ है आपकी बाइक में, मैंने आपकी क्या क्या चेंजेस करे हैं बाइक रैप के लिए, क्यों कुछ तो आप लोग देख ही रहे होंगे सामने की साइड। जो मेरी ब्रॉड स्ट्रिप्स लगी थी वो थोड़ी मैंने पतली लगा दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चौड़ी लग रही थी। और अब भाई यहाँ थोड़ा घूम के दिखा देता हूँ कि भाई बाइक अभी कैसी लग रही है। अरे दादा हैंडल सीधा हो जाए, कुछ चेंजेस कर रहे हैं देख सकते हो आप लोग भाई, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कुछ मैंने जगहें बदली हैं, जैसे ये हो गया, हाँ इस पर ये चीज मैंने थोड़ा चेंज करी है। और गाइस मान सकता हूँ कुछ कुछ लोगों को भाई लुक्स अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर ये टेम्प्रेरी है, मैं इसको भी बाद में चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसमें
दूसरा रैप कराना है, जो फुल्ली रैप होती है बाइक वैसे ही रैप कराना है। फिर उसके बाद इस पे मैं सेरेमिक कोटिंग लगवा दूंगा, उसके बाद ये गाड़ी बिल्कुल परमानेंट हो जाएगी। और बाकी आप लोग देख सकते हो इसकी टेल मैंने बहुत कई हद तक मैंने एडजस्ट करवा दी है, क्योंकि इसकी टेल थी थोड़ी नीचे आ रही थी, तो फिर मैंने यार कुछ जुगाड़ कर करा के मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करवा दिया। अब ये एकदम परफेक्ट लग रही है। वेल डाम दो जॉइंट देख सकते हैं, जॉइंट मैंने पहले यहाँ से कराया था, ये भी लंबे जॉइंट से, ये भी, तो मैंने दोनों जॉइंट को हटवा के सही से लगा दिया। तो टेल भी कुछ हद तक मेरी ठीक हो चुकी है। और बाकी अब देखिए यार थोड़ा बहुत काम खुद भी कर लेता हूँ यार, थोड़ा पैसे उसे बचे, वरना पेट्रोल के लिए पावत डांट खानी पड़ती है। अभी तो यार घर के पैसों पे चल रहा है खर्चा, और घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं भाई बहुत अच्छा, कभी गुस्से में रहता है तो सुना देते हैं। बाकी दो सो गए, अभी यहाँ से मैं रश करने वाला हूँ। साथ भाई लोग करते हैं अपने ब्लॉग को एंड, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिएगा और स्टे ट्यून्ड विद मी, MG थ्रॉटल।